जी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो फंक्शन है इसे वाई की इक्वल लिख लेते हैं, वाई इक्वल टू जो जो होल स्क्वायर रूट है इसकी पावर 1/2 डाल देंगे ऐसे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 की होल पावर कितनी डाल देनी, 1/2। अब लॉग लेना पड़ेगा, लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऐसे लिख लेना है। तो लॉग वाई आ गया, तो जब लॉग लेंगे तो 1/2 आगे चल जाता है। ये आपको पता ही है, एक्स की पावर जैसे लॉग ऑफ ए एक्स की पावर ए होगा तो कितना होता है, ये आगे चल जाता है ना, ये लॉग एक्स ऐसे, तो ये 1/2 पावर आगे चल जाएगी। तो अब इसका लॉग लिखने लगे, ये मैं साथ में लिख देता हूँ, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। तो अब इसका लॉग लिखने लगे, तो जहां भी एक ब्रैकेट डाल लेते हैं ऐसे, जहां ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं क्योंकि जहां तो एक ही है 1/2। अब जो लॉग जो मल्टीप्लिकेशन में लॉग होता है इसे हम सेपरेट करके लिख सकते हैं ये टर्म्स को, ये लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 तो प्लस का साइन पड़ता है, तो जो डिवीजन में हो उसका माइनस साइन पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, माइनस लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 4 माइनस लॉग एक्स माइनस 5, ये माइनस है। तो जहां एक ब्रैकेट डाल देते हैं अब, क्योंकि ये बीच में रखता ना, जहां ब्रैकेट डालनी पड़ेगी अब, तो अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी आगे 1/y, लॉग वाई की डिफरेंशिएशन 1/y, तो y की आगे dy/dx विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट x कर रहे हैं ना, इक्वल टू 1/2, तो ऐसे लग जाएगा। लॉग ऑफ x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन होती है 1/x-1। अब d/dx ऑफ x माइनस 1 भी लिखना, प्लस 1/, इसकी डिफरेंशिएशन होगी x माइनस 2, तो d/dx ऑफ x माइनस 2 भी लिखना है। ऐसे जहां से शुरू कर लेते हैं, माइनस लॉग ए लॉग की होगी 1/x-3, तो ब्रैकेट डाल लो, तो इसकी डिफरेंशिएशन भी लिखनी फिर एक्स माइनस 3 की, माइनस अब इसकी बारी आ गई, इसकी डिफरेंशिएशन है 1/x-4, तो इसकी भी लिखनी पड़नी जो बीच में है, d/dx ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस अब इसकी बारी, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/x-5, तो d/dx ऑफ एक्स माइनस 5। लो जी डिटेल से लिख दिया आपको, ये अभी ऐसे लिख लेते हैं, 1/y dy/dx 1/2, ये ब्रैकेट स्क्वायर बंद कर लो। जरा जहां से ध्यान से काम करना, 1/x-1 जो x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन है ना, x की तो होती है 1, तो ये तो आ गया इंटू 1, तो 1 की कितनी होगी 0, तो 1-0, चलो एक स्टेप कर देते हैं, प्लस 1/x-2, इसकी कितनी होगी डिफरेंशिएशन, dx/dx 1, ये कांस्टेंट इसकी 0, तो ये बन गया 1-0 माइनस 1/x-3, इसकी भी ऐसे ही है 1-0, इसकी भी ऐसे ही आनी है, ब्रैकेट में डाल लो, माइनस 1/x-4 इंटू एक्स माइनस 4 की डिफरेंशिएशन हो गई 1-0, माइनस
वन बटा एक्स माइनस फाइव, इसकी डिफरेंशिएशन भी वन माइनस जीरो, स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू वन बाय टू इंटू, अब ऐसे करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स है ना, वाई दूसरी तरफ ले जाते हैं, जहां क्रॉस होके इधर चल जाएगी ना। आप देखो जे वन माइनस जीरो तो वन ही है, वन बटा एक्स माइनस वन प्लस जे भी वन बटा एक्स माइनस टू, जहां माइनस वन बटा एक्स माइनस थ्री होगा, वन माइनस जीरो वन ही होता है, माइनस जे भी वन बटा एक्स माइनस वन बटा एक्स माइनस फोर माइनस जे भी वन बटा एक्स माइनस फाइव। अब ये जो वाई की वैल्यू है ना, ये हम जहां से रिप्लेस कर देंगे, यही इसे वाई माना ना, इसे वन बाय टू, चाहे स्क्वेयर रूट से लिख लो चाहे वन बाय टू से लिख लो पावर से, चलो स्क्वेयर रूट से लिख लेते हैं, वाई की रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू स्क्वेयर रूट ऑफ, ये रिजल्ट लंबा है थोड़ा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव, ये तो हो गया स्क्वेयर रूट के नीचे, बाकी वैसे लिख दो, वन बाय टू भी है ना, तो वन बाय टू आगे लिख देते हैं, जहां जहां लिख देते हैं वन बाय टू, ये जहां नहीं डाल देना बीच में, आगे लिखना जरा, वन बाय टू जे होल स्क्वेयर रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव, आप जे वैल्यू सारी लिख देते हैं, वन बटा एक्स माइनस वन प्लस वन बटा एक्स माइनस टू माइनस वन बटा एक्स माइनस थ्री माइनस वन बटा एक्स माइनस फोर माइनस वन बटा एक्स माइनस फाइव, ये आंसर आ गया।